दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी की ये ऑफिशियल साइट खोल लेना है। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इसे 27/10/2022 से स्टार्ट है, आप इसे 30/11/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट और रिसिप्ट की आप डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर। इसका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी 2023 दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है, और यहाँ पर वैकेंसीज, तो यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर BSF में है इसकी पोस्ट, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और यहाँ पर SC, ST, OBC, मेल कैंडिडेट, TWS, UR और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज, यहाँ पर पार्ट वन की है ये, और यहाँ पर फीमेल की SC, ST, OBC फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी अनुसार सारी पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर पार्ट वन की 24,205 पोस्ट है, और यहाँ पर पार्ट सेकंड की NCV यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी हुई है, टोटल 164 पोस्ट। तो यहाँ पर आपकी दोनों पार्ट वन पार्ट सेकंड की 24,369 पोस्ट हैं सारी। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम आपकी 18 साल से 23 साल के अंदर होना चाहिए। आपकी जो एज है 1/1/2023 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। कैंडिडेट शुल नॉट हैव बीन बोर्न देन 2/1/1997। तो यहाँ पर आप अपनी एज लिमिट के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगर अपर एज लिमिट है तो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी एज रिलेक्शन में, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर। तो यहाँ पर जो छूटे हैं एज में वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2023 के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको मिनिमम 10वीं पास होना ज़रूरी है इस फॉर्म के लिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास में NCC ABC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मिल सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पर फ़ी पेएबल 100 रुपये फीस है OBC और जनरल मेल कैंडिडेट की। उसके बाद में यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट SC ST फीमेल कैंडिडेट, इन लोगों के लिए फीस नहीं लग रही है, फॉर्म फ्री है। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ये सारा नोटिफिकेशन आपको चेकआउट कर लेना है, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले SSC में यहाँ पर अपना न्यू यूज़र रजिस्टर्ड नाउ, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले 1, 2, 3 स्टेप में ये जो बेसिक डिटेल्स है ये सारा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों फिर आपको अपना यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और यहाँ पर अपना पासवर्ड ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास में अपना पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डाटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डिटेल्स है वो सारी आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको आर यू एक्स सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर
एज रिलेक्शन अगर चाहिए आपको तो यस करके सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो आप नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो यस कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा सर्टिफिकेट है ए बी सी वो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, तो यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी के लिए जो पहले सिटी चाहिए वो यहाँ पर अपनी तीनों सिटी अलग अलग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंफर्म स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो मूल निवासी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना है वो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ यूर, तो यहाँ पर अगर आप माइग्रेट हुए हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं हैं तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ सी ए पी एफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रेफरेंस डाल देना है आपकी पोस्ट के हिसाब से, आपको पहले कौन सी पोस्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस नेम ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यहाँ पर असम राइफल्स। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पेपर लिख लेना है कि जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले ये वाली पोस्ट चाहिए तो एक नंबर पे सी लिख लेना है, और सेकंड नंबर पे ये चाहिए तो ए लिख लेना है, ये कोडिंग आपको लिख लेना है कहीं पर। आपको जो पहले चाहिए वो पहले यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको सी नंबर की चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर सी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर बी करेंगे, फिर यहाँ पर डी करेंगे, यहाँ पर एफ करेंगे। इस तरीके से सारी जो पोस्ट का प्रेफरेंस है वो यहाँ पर दे देना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको वेरीफाई प्रेफरेंस पोस्ट, ये सेम पोस्ट आपको नीचे वाले बॉक्स में भी इस तरीके से सारी डाल देना है। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम 10th चाहिए, अगर 10th है आप तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन 10th क्लास इस पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं सेलेक्ट कर सकते हैं, और बीएससी बीए बीकॉम जो भी है जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट है इनमें से तो वो आप यहां से ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आपको 10th क्लास सेलेक्ट करना है, और यहां पर आप पासिंग है 10th क्लास पास्ड है या अपीयर है, तो जैसे पास्ड है तो पास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे 10th क्लास का। उसके बाद में यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका परसेंटेज डाल देना है इस बॉक्स में। यहाँ पर दोस्तों आपको डू यू बैंड टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब, तो यहाँ पर आपको अगर इस डिपार्टमेंट को अपनी पर्सनल डिटेल्स देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नो पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर अपलोड है फ़ोटो टेकन ऑन 27 जुलाई 2022 के बाद की आपको फ़ोटो होना चाहिए जिस पे डेट डली हुई होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अलाउ फाइल साइज 20 से 50 KB के अंदर में आपका साइज होना चाहिए, फ़ोटो का JPG फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर आपको 3.5 सेंटीमीटर बेड और 4.5 सेंटीमीटर हाइट की फ़ोटो खिंचवाना है, आपका जो नया फ़ोटो लेटेस्ट फ़ोटो है वही अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए इसका साइज। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बेड 2 सेंटीमीटर हाइट, चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 27 जुलाई के बाद का आपका फ़ोटो है ना, तो यहाँ पर आपको यस करना ज़रूरी है। उसके बाद में सारी डिटेल्स आपको सही सही फिल करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री बटन पर टिक करेंगे, और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिल करना है।
और यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है, एक बार प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है फाइनली सबमिट करने से पहले। यहाँ पर दोस्तों प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके एक बार आपको प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है सारी डिटेल्स। उसके बाद में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अभी एडिट मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में एडिट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर ओके कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिसीव्ड। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट बटन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको ओके करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके फॉर्म की पेमेंट लग रही है तो आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ से अगर पेमेंट बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, यहाँ पर फोटो अपलोडेड है, यहाँ पर कंप्लीट और यहाँ पर पेमेंट। तो यहाँ पर फीस नहीं लगी है, फीमेल कैंडिडेट है इसलिए। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस रिसीव्ड, यहाँ पर अगर आपकी पेमेंट फेल होती है तो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आपको अपनी फाइनली पेमेंट कर देना है, अपनी फॉर्म की पेमेंट लग रही है, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंट बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, यहाँ पर आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है अपने पास में। तो दोस्तों इस तरीके से आप SSC कॉन्स्टेबल GD 2022 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।